जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। क्या आप कुछ लिखने की सोच रहे हैं? तो इन 21 दिनों में किस प्रकार से आप लिखने पर फोकस कर सकते हो, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, यानी कि आप किसी भी एज ग्रुप से हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की या अन्य किसी एग्ज़ाम की, या फिर आप घर पर बैठे हुए हो, आप कुछ काम धंधा करते थे, या फिर आप जॉब करते थे, या फिर आप बच्चे हो अभी जो आने वाले भविष्य में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ उपन्यास लिखने हैं, कहानी लिखने हैं, कुछ तो लिखना है जिससे मैं दुनिया को मोटिवेट कर सकूं, कुछ ऐसी कहानी जो पिक्चरों में आ सके, कुछ उपन्यास। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर जो हमारे चैनल पर जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो लोग सोच रहे हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम है, ये जो आपके पास 15 20 22 दिन हैं, 20 21 दिन हैं, 21 दिन आपके पास दिए गए हैं बिल्कुल खाली ना। इसमें आपको किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा है, मुझे पता है। केवल टीवी आप देख रहे हो, ठीक है, दूसरों की क्रिएशन देख रहे हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिन पर आप लिख सकते हो, चाहो तो उस पर उपन्यास भी लिख सकते हो। और जो लोग उपन्यास या कहानी वगैरह लिखने के शौकीन हैं, तो आज मैं आपको देखिए टॉपिक बता देता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स। आप क्या लिखना चाहते हैं सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए अभी, कहानी लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, या गाने लिखना चाहते हैं, या फिर कुछ पेजेस ही लिखना चाहते हैं। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले तो कुछ पेजेस ही लिखेंगे, लेकिन जो लोग उपन्यास कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं, जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें पता है ये किस प्रकार की होती हैं और वो लिख सकते हैं इस पर। गाना लिखना चाहिए, गाना लिख सकते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, आप इन टॉपिक्स पर लिख सकते हो, ये कॉपीराइटेड हैं मेरी तरफ से, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं इनका इनको इन पर आप लिख सकते हो घर पर बैठ के। यदि आपको छपवाना हो तो उसके लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना एक तबाही, कोरोना एक शाप, कोरोना एक प्रेम कथा, 21वीं सदी में 21 दिन। ये उपन्यासों के लिए बहुत अच्छे टॉपिक हैं, चाहे आप गाने लिख सकते हो इन पर, अपनी कहानियाँ लिख सकते हो। हर टॉपिक के बारे में मैंने बताया हुआ है। 21 दिन पत्नी के साथ जो लोग शादीशुदा हैं वो लिख सकते हैं कैसे वो सारा समय बाहर व्यतीत करते थे, और इस समय वो पत्नी के साथ हैं तो क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। पूरा उपन्यास हो सकता है, कहानी हो सकती है कोई भी। 21 दिन खुद के साथ, ये मेडिटेशन जो लोग करते हैं, जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, आस्तिकवादी हैं, वो कहीं ना कहीं खुद के साथ, यानी कि दूसरों की भागदौड़ में लगे रहते थे, अब खुद के साथ हैं। तो 21 दिन खुद के साथ, 21 दिन न्यूज़ चैनल, आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो 21 दिनों में न्यूज़ चैनल ने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं या दिखा रहे हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। 21 दिन एक प्रेम कहानी, जो लोग प्रेम के शौकीन हैं, प्रेम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ना देखना, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने लगभग लगभग प्रेम किया ही होगा, तो उस पर आप एक कहानी लिख सकते हो। जरूरी नहीं वो सच्ची हो, एक हाइपोथेटिकल भी कहानियाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। 21 दिन में घर में, 21 दिन में घर में, यानी कि 21 दिन आप घर में रहे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिख सकते हो भविष्य की सोच करके। 21 दिन दूसरा महाभारत, ठीक है। दूसरा महाभारत यानी कि परिवार में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे महाभारत जैसी स्थिति, क्योंकि परिवार में ही हुआ था। 21 दिन आप मीडिया और समाज के दोनों में महाभारत करवा सकते हो, सरकार में और विपक्ष में महाभारत करवा सकते हो 21 दिन के अंदर, मतलब वैचारिक रूप से। इस प्रकार से आप टॉपिक लिख सकते हो, बहुत सारे आप भी खुद भी बना सकते हो। 21 दिन में तबाही, 21 दिन में तबाही आप लिख सकते हो। 21 दिन के बाद हंता, 21 दिन के बाद सॉरी कोरोना के बाद हंता, तो कोरोना आया है उसके बाद हंता वायरस है उसके बारे में आप लिख सकते हो, कुछ भी हाइपोथेटिकल बना के। 21 दिन अपने परिवार से दूर, ठीक है, 21 दिन अपने परिवार से दूर। कुछ लोग होंगे जो वाकई में परिवार से दूर होंगे और उन्हें कहीं ना कहीं परिवार की याद आ रही होगी, कैसे हैं, आपको जाने निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप लिख सकते हो 21 दिन परिवार से दूर। इसी पर एक टॉपिक और लिख सकते हो आप, 21 दिन परिवार के साथ, ठीक है। आप कितना व्यस्त रहते थे जीवन में, बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री हैं आप, ठीक है, और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय को आप कॉपी पर उड़ेल सकते हो। क्या एक्सपीरियंस है, एक हाइपोथेटिकल चीज़ें मिला के, कुछ सच्चाई मिला करके इन चीज़ों को आप बना सकते हो, ठीक है।
21 दिन सब ठप। आप सब देख रहे हैं यहाँ बाहर सारी चीज़ें ठप सी नज़र आ रही हैं, यातायात पूरा रुक गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 21 दिन सब ठप। इस पर पूरा का पूरा उपन्यास, कहानी, कुछ भी गाने, कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो। मैं आपको एक आइडियाज दे रहा हूँ, 21 दिन एक आश। ठीक है, 21 दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आस जगाने के लिए 21 दिन हमें दिए हुए हैं कि इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। तो उस पर आप लिख सकते हो, मेरे 21 दिन। आपके 21 दिन कैसे बीतने वाले हैं उस पर आप लिख सकते हो, मेरे 21 दिन। कोरोना सभ्यता का पतन, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पर आप लिख सकते हो कुछ भी आप चाहो तो, नकारात्मक भी दे सकते हो, लास्ट में सकारात्मक भी दे सकते हो। यदि आपको इससे आगे के वीडियो चाहिए तो मैं हर टॉपिक पर बता सकता हूँ आपको किस किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन ये छपवाने नहीं होंगे, छपवाने हैं तो आपको अलग से करना पड़ेगा। अगर ये वाले टॉपिक लेने हैं तो आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉपीराइटेड टॉपिक हैं ये। ठीक है, कोरोना का कहर, 21 दिन वो नहीं दिखी। आप समझ रहे हैं, जो लोग प्रेम करते हैं 21 दिन वो नहीं दिखी, इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोरोना का खात्मा, द डार्क 21 डेज। तो इन टॉपिक्स पर आप लिख सकते हो, इनसे और भी कुछ बना सकते हो, लेकिन बेस्ट टॉपिक हैं, बेस्ट से बेस्ट जो हो सकते हैं इन पर आप लिखने का प्रयास करिए। घर पर बैठ के कहानी, उपन्यास, गाने, कुछ भी बने इन पर लिख सकते हो। कम से कम 100 पेजेस लिख सकते हो, 200 पेज की कहानी, उपन्यास, कुछ भी लिख सकते हो। और जो लोग वाकई प्रोफेशनल हैं वो इन टॉपिक्स को ले सकते हैं और अपना छपवा भी सकते हैं, और मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि कॉपीराइटेड ये टॉपिक हैं। चाहो तो आप अलग से भी अपने बना सकते हैं। तो एक आइडिया था जो मुझे आपको देना था लिखने के लिए। इस वीडियो को आप सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग लिखने के शौकीन हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आने वाले समय में कुछ वीडियोस इनसे रिलेटेड भी बना सकता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से आप लिख सकते हो उस पर भी मैं बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।